ज्वाइंट्स पेन मीन्स जोड़ों में दर्द का होना, जोड़ों में स्वेलिंग होना, हड्डियों से कटकट की आवाज़ें आना, जोड़ों में जो फ्लूड होता है जिसे हम ग्रीस कहते हैं नॉर्मल भाषा में, मीन्स साइनोवियल फ्लूड का सूख जाना जिसके कारण हड्डियों से कटकट की आवाज़ें आना, हड्डियों में दर्द होना, स्वेलिंग का होना। ये प्रॉब्लम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, स्पेशली 40 या 45 ईयर के एज के बाद जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग या साइनोवियल फ्लूड की कमी होना शुरू हो जाती है। और इस तरह के दर्द से परेशान होकर पेशेंट बहुत ज़्यादा एलोपैथिक दवाओं का यूज़ करता है, एलोपैथिक पेन किलर खाता है, और अगर डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट तो उन्हें एक ही एडवाइस एलोपैथिक डॉक्टर करते हैं कि आपको अपने घुटने का या एल्बो जॉइंट्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी आपके ये जो दर्द है उससे आपको राहत मिलेगी और आपकी जो ये ज़्यादा सूजन हो रही है इसको राहत दिलाने के लिए ऑपरेशन ही एक चारा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको ऑपरेशन के बिना भी आपके घुटनों में जो दर्द है, स्वेलिंग है, उससे आप निजात पा सकते हैं। इवन अगर शुरुआत में ही आपके साइनोवियल फ्लूड की कमी आपको पता चल गई कि आपके जो घुटने हैं उसमें फ्लूड मींस ग्रीस की कमी हो रही है, तो आप दवाएं अगर लेते हैं तो कुछ दिन में ग्रीस की कमी दूर हो जाती है। एलोपैथिक जो दवाएं होती हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर आप रेगुलर इन दवाओं का यूज़ करते हैं तो ये आपके लीवर किडनी पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट डालती है, इसलिए रेगुलर तो आप एलोपैथिक दवाओं का यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेन के लिए, जोड़ों में स्वेलिंग के लिए, साइनोवियल फ्लूड की कमी को पूरा करने के लिए आप हमारी होम्योपैथिक दवाएँ लेते हैं तो इसके एक तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और आप इसे लंबे समय तक भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ दिन यूज़ करने के बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में स्वेलिंग, साइनोवियल फ्लूड की कमी, इन सब प्रॉब्लम का निजात आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आज 3 होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जिन्हें आप रेगुलर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आपके दर्द से निजात मिल जाएगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी 3 होम्योपैथिक मेडिसिन है तो मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे हम हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं जिन्हें केवल आप देख लेते हैं, कुछ टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हुए जानते हैं कि आपको कौन कौन सी दवाई लेनी है। एक बात का ध्यान रखें कि इन दवाइयों को आपको प्रॉपर टाइम पे लेना है, प्रॉपर टाइम के साथ साथ इसका कंटिन्यू आपको 1 से 1.5 महीने डोज कंप्लीट करना है। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि जब भी आप इन दवाओं को लें तो आपको कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, कोई भी सुगंध वाला आइटम या आपको लौंग, इलायची, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है कैल्केरिया फॉस 6X, बहुत असरदार दवा है और कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए ये दवा बहुत अच्छी मानी जाती है, आपके हड्डियों के विकास में भी मदद करती है। अगर आपकी हड्डियाँ घिस गई हैं, आपके घुटनों से कटकट की आवाज़ें आ रही हैं, आपको फिंगर मूव करने में या चलने फिरने में दर्द हो रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की कमी है और कैल्शियम की कमी के कारण आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो आप कैल्केरिया फॉस 6X ज़रूर लें। इसको लेने से ये तो एक तो आपके शरीर में कैल्शियम की कमी दूर करता है, साथ साथ अगर आपकी हड्डियां जो हैं वो घिस रही हैं उसके घिसाव को कम करने में भी ये दवा मददगार होती है। आप इसके 6X पोटेंसी में ले लीजिए, हल्के गुनगुने पानी के साथ 3 बार लेना है। आप इसे नॉर्मली भी खा सकते हैं बिना गुनगुने पानी के साथ, लेकिन अगर आप इसे गुनगुने पानी के साथ खाते हैं तो ये दवा आपको ज़्यादा असर करेगी। दिन में 3 बार आपको 4-4 टैबलेट लेनी है। इस दवा को लेने से आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगी। देन हमारी सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन है रस्टॉक्स, बहुत असरदार दवा है और जोड़ों के दर्द में, आर्थराइटिस में, गठिया में, बात में, किसी भी तरह का आपको दर्द है उसमें रस्टॉक्स बहुत असरदार दवा है।
यदि आपको हमेशा दर्द बना रहता है, ठंड के सीजन में आपका दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, घुटनों में आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, आप डैम्प एरिया में जाते हैं तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है या आपके घुटनों में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है, इतना तेज़ दर्द होता है कि आप सह भी नहीं पाते, आप रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाते हैं। सुबह आप सोकर उठते हैं और फर्स्ट मूव जब चलते हैं तो आपके पैर में बहुत ज़्यादा अकड़न सी होती है, घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर आप बैठ के अपने घुटनों को हिलाते हैं तो उससे कट कट की आवाज़ें आती हैं। इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, आप बहुत तेज़ दर्द में हमेशा रहते हैं, बहुत सी एलोपैथिक मेडिसिन आपने ट्राई कर ली, डॉक्टर ने भी आपको ऑपरेशन एडवाइस कर दिया, लेकिन आप ऑपरेशन बिल्कुल भी ना कराएं, आप रस्टॉक्स 2 महीने तक लेकर देख लीजिए, आपकी जो भी घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। देन थर्ड हमारी इफेक्टिव मेडिसिन है लैडमपाल 200, ये भी बहुत असरदार दवा है और ये घुटनों के दर्द में बहुत जल्दी आपको राहत दिलाते हैं। घुटनों में अगर स्वेलिंग है तो आपको बहुत जल्दी राहत दिलाता है, अगर आपको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, साथ साथ आपके साइनोवियल फ्लूइड की कमी भी हो गई है, ग्रीस बहुत कम हो गया है जिससे कट कट के आवाज़ें आ रही हैं, तो आप लैडमपाल 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। ये तीनों ही दवा आपको लेनी है, 15-15 मिनट के अंतराल में लेना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि लैडमपाल 200 पोटेंसी में लेना है और वीक में केवल 2 बार आपको लेना है और मॉर्निंग में खाली पेट लेना है। आप एक पेन ले लीजिए, पेपर ले लीजिए, उसमें इन दवाओं को नोट कर लीजिए, इन दवाओं के डोज लिख लीजिए, किस तरह खाना है, किस पोटेंसी में खाना है ये लिख लीजिए। ये जैसे अभी हमने बताया कि लैडमपाल आपको वीक में 2 बार खाना है और सुबह आपको खाली पेट इसका सेवन करना है। याद रखें कि लैडमपाल का यूज़ आपको डेली नहीं करना है, आपको रस्टॉक्स और कैल्केरिया फॉस डेली लेना है, लेकिन लैडमपाल वीक में 2 बार लेना है। ये दवाएं आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी या आपके नज़दीकी अगर होम्योपैथिक शॉप है वहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ईजिली ये दवा मिलती है, बहुत पॉपुलर दवा है। तो ये तीनों ही दवाएं आप ज़रूर लें, ये तीनों ही दवाओं का कॉम्बिनेशन बहुत असरदार है, आप इन तीनों दवाओं को रेगुलर लेते हैं तो आपकी जो घुटनों में दर्द की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया बाद की प्रॉब्लम है, ग्रीस की कमी है, इससे आपको निजात मिल जाएगा। बहुत असरदार दवा है, 101% ये दवा वर्क करती है और आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रेगुलर मेडिसिन मींस एलोपैथिक मेडिसिन पेन किलर खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप होम्योपैथिक दवाएं लेते हैं तो सबसे अच्छी बात इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है और बिना साइड इफ़ेक्ट के आपको रिलीफ मिल जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे हेल्दी।